हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, और जिसकी प्रैक्टिस सेट ली जा रही है प्रैक्टिस सेट 26। इसके पहले की 25 प्रैक्टिस सेट आपको साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो जिसने भी उन वीडियोज़ को नहीं देखा है जाकर के देखेगा, काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए गए हैं। ठीक है, ये वीडियो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। और अब से आपको साइंस की जो प्रैक्टिस सेट है दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो जिसमें भी आपको ईजी पड़े उस लैंग्वेज में आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करो। ठीक है, ओके। तो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप अब लॉन्च हो चुका है, जिसने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया जल्दी से इंस्टॉल करिए। यहाँ पे आपको डेली वीडियो की पीडीएफ, साथ ही साथ क्विज बहुत सी चीज़ें इसमें मिल रही हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करिए, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है ये ऐप। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि किस विटामिन का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन के का जो संश्लेषण है वो यकृत यानी कि लीवर के द्वारा किया जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, विटामिन के क्या होता है। तो विटामिन के वसा में विलय विटामिन होता है। वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, और जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है। तो जल में होता है बी और सी घुलनशील, और वसा में होता है ए डी ई के। ए डी ई के जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है, और बी और सी जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन के वसा में विलय विटामिन है जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, और विटामिन के वसा में विलय विटामिन कौन है, तो विटामिन के है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसकी कमी से होने वाला रोग है कि यह रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आप लोग बताइए कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, कमेंट करके बताइए कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे है, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट हो जाएगा। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज इट। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि स्टील को अधिक विरूपण बल चाहिए। विरूपण बल क्या होता है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, स्टील को मोड़ने में अधिक विरूपण बल चाहिए, इस वजह से स्टील जो है रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या है। कणिकाओं यानी कि कॉर्पस के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। फ्लूइड पार्ट ऑफ अ ब्लड डिवाइड ऑफ द कॉर्पस इज कॉल्ड। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। किसको, तो रेड ब्लड सेल्स नहीं होनी चाहिए उसमें, और वाइट ब्लड सेल्स नहीं है, यानी कि कॉर्पस प्रेजेंट नहीं होने के बाद जो फ्लूइड का बचा हुआ पार्ट हो जाएगा रक्त का, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सीरम। ओके, तो कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ पढ़िए क्या है। पायस एक कोलाइड होता है, एन इमल्सन इज अ कोलाइड ऑफ अ। तो किसका होता है, द्रव में गैस का, द्रव्य में द्रव का, गैस में द्रव का, या फिर ठोस में गैस का। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि द्रव में द्रव का, लिक्विड इन अ लिक्विड। ठीक है, कोलाइड जो होता है वो क्या होता है, पायस एक कोलाइड है द्रव में द्रव का। क्लियर हो गया। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होता है। पायस यानी कि इमल्शन दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है, एक तरल अन्य तरल में परिक्षेपित यानी कि फैला होता है। पायसन शब्द को तेल क्षेत्र में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अपरिशोधित कच्चा तेल, तेल और पानी का मिश्रण होता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो तेल और पानी का मिश्रण क्या है, तो यह इमल्शन, एक द्रव का दूसरे द्रव में जो मिश्रण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इमल्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मोमबत्ती एक मिश्रण होता है, अ कैंडल इज अ मिक्सचर ऑफ। मोमबत्ती किसका मिश्रण है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि पैराफिन मोम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। टुडे मोस्ट कैंडल्स आर मेड फ्रॉम द पैराफिन वैक्स। जो ज़्यादातर मोमबत्तियाँ होती हैं वो पैराफिन वैक्स से ही बनाई जाती हैं। उसके अलावा कुछ जो मोमबत्तियाँ होती हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स से बनाई जाती हैं, कुछ बीज वैक्स से बनाई जाती हैं, कुछ जेल से बनाई जाती हैं। तो ओवरऑल जो मोस्टली कैंडल्स होती हैं वो पैराफिन वैक्स से बनाई जाती हैं, इसलिए मोमबत्ती जो है वो मिश्रण है किसका, पैराफिन मोम और सिट्रिक एसिड का। क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। न्यूनतम परागम शक्ति किरण कौन सी है, यानी कि द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रे इज। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि किस रे की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे कम है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि अल्फा किरण की। ठीक है, ओके, डायग्राम से देखिए क्या है। अल्फा रे जो है वो सिर्फ पेपर तक ही भेद पा रही है, यानी कि उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो काफ़ी कम है अल्फा की। उसके बाद बीटा को देखिए, तो बीटा जो है वुड,
थिन प्लेट्स मेड ऑफ द वुड एंड एल्युमिनियम एक्सेट्रा तक पहुंच जा रही है, उसको भेद पा रही है। एक्सरे देखिए और गामा रे, एक्सरे और गामा रे की जो भेदन क्षमता होती है लगभग समान है। लेड आयरन एंड अदर थिक मेटल प्लेट्स को ये सब भेद पा रही हैं। सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता होती है वो किसकी है, तो न्यूट्रॉन की सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता है। न्यूट्रॉन कहाँ तक पहुँच गया, देखिए इस सबको तो भेद ही दिया, साथ ही साथ ये वाटर कंसनट्रेट तक भी पहुँच गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी है, न्यूट्रॉन की है। उसके बाद देखिए अल्फा बीटा और गामा में आपसे पूछेगा, तो अल्फा की सबसे कम है, फिर उसके बाद बीटा की है, और फिर उसके बाद गामा की है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? तो सबसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे कम जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो किस पे है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा अल्फा किरणों की सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर होती है। ओके आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन 7 को पढ़िए। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या होता है, यानी कि द टाइप्स ऑफ पर्पस ऑफ चौक इन अ फ्लोरोसेंट लैंप इज। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि करंट के प्रवाह को बढ़ाना। ठीक है, चौक का जो प्रयोजन होता है वो करंट के प्रवाह को बढ़ाना होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि ट्यूबलाइट वगैरह में चौक का प्रयोजन क्या होता है। तो ट्यूबलाइट के जलने में चौक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम सप्लाई को ऑन करते हैं तो शुरुआती विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा होता है। यह विद्युत धारा ट्यूबलाइट को ख़राब कर सकती है, अतः इस विद्युत धारा के मान को कम करने के लिए चौक का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो ट्यूबलाइट में। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ट्यूबलाइट में क्या प्रयोग होता है और फ्लोरोसेंट लैंप में क्या प्रयोग होता है, आपको समझ में आ गया चौक का? ओके आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे है, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बताइए जल्दी से। इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि ग्यूटेशन, बिंदु स्त्राव या फिर ग्यूटेशन कहते हैं। ग्यूटेशन क्या होता है, आइए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए क्या है, ग्यूटेशन कुछ संवहनी पौधों की पत्तियों या किनारों पर जाइलम सैप की बूंदों का निकास होता है, जैसे घास और कई कवक, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा था। ठीक है, तो ग्यूटेशन को ओस से भ्रमित नहीं होना चाहिए, ओस अलग चीज़ है, ग्यूटेशन अलग चीज़ होती है। जो पौधे की सतह पर वायुमंडल से संघनन करता है, ग्यूटेशन आमतौर पर रात के समय के दौरान होता है। ठीक है ना, तो पत्तियों को देखिए साइड साइड में क्या होती है, इसमें ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिंदु स्त्राव, ग्यूटेशन। ओके आइए चलते हैं क्वेश्चन 9। देखिए आपकी स्क्रीन पे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता है जिसे पकाया गया हो। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हों, कितने डिग्री सेल्सियस तक अगर भोजन को पका लें तो बर्ड फ्लू के वायरस का संक्रमण नहीं रहेगा। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अगर किसी भी खाने को 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पकाया गया होगा तो उसमें बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये किसने बताया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। ओके आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जब अल्कोहल में बदला जाता है तो वह किस एंजाइम की उपस्थिति में चेंज किया जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। किसके? तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी कि स्टार्च को बदल दिया जाता है। किसमें? तो अल्कोहल में। किसमें बदल रहा है, देखिए डायग्राम में इथेनॉल में बदला हुआ है। किसके प्रेजेंस में? तो ये जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ओके इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जाइमेज एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जो चीनी के किण्वन को यानी कि ग्लूकोज को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में उत्प्रेरित करता है। यह प्राकृतिक रूप से ईस्ट में होता है। ठीक है, यह प्राकृतिक रूप से जाइमेज किस में होता है, तो यह ईस्ट में होता है। जाइमेज गतिविधि खमीर उपभेदों के बीच से भिन्न होती है। क्लियर हुआ? खमीर जो उपभेद होता है उससे भिन्न होती है। कौन सी गतिविधि? तो जाइमेज की गतिविधि। यहाँ तक समझ में आ गया, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है, यानी कि पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, पेट्रोलियम होगा यहाँ पे। ठीक है, पेट्रोलियम एक मिक्सचर है, तो क्या आंसर करेक्ट है? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है कौन, तो ये होता है पेट्रोलियम। आइए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, पेट्रोलियम बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। सबसे अधिक पाए जाने वाले अणु यानी कि एल्केन्स, पैराफिन, साइक्लोनिन, नेप्थॉन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये जटिल रासायनिकों से मिल करके पेट्रोलियम बनाया जाता है, यानी कि पेट्रोल जो होता है बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, स्तंभों के कटे अंतों से जल का अवशोषण किस सिद्धांत का खंडन करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द कट एंड्स ऑफ द स्टेम डिसप्रूव्स द, किस रूल को डिसप्रूव कर रहा है ये बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि रूट प्रेशर थ्योरी।
मूलीय दाब सिद्धांत यानी कि रूट प्रेशर थियोरी को ये क्या करेगा, डिसप्रूव कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, वॉट डिड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। बताइए आप लोग इसका क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन बी यानी कि वॉल्व था। ठीक है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था उसमें क्या था, तो उसमें था वॉल्व। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, NEA इसका नाम था। NEA का फुल फॉर्म अगर हम बात करेंगे तो E से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, N से हो जाएगा न्यूमेरिकल, I से हो जाएगा इंटीग्रेटर, और C से क्या हो जाएगा, तो C से हो जाएगा कंप्यूटर। इसका संक्षिप्त रूप क्या है, तो संक्षिप्त रूप है NEA। ओके, यह एक पहला आम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसका पूर्ण उद्देश्य क्या था, तो पूर्ण टाइपिंग वाला डिजिटल कंप्यूटर था जिसे संगणना की संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए पुनः प्रोग्रामित किया जा सकता था। संगणना यानी कि मैथमेटिक्स के जितने भी कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं उनके लिए इसको यूज़ किया जाता था। अभी आपने डायग्राम में देखा था कि कितना बड़ा स्थान था और इसमें क्या था, तो इसमें था वॉल्व। क्या था इसमें, तो इसमें था वॉल्व। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। पके हुए अंगूरों में होता है राइप ग्रेप्स कंटेन, पके हुए अंगूरों में क्या होता है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन यानी कि फ्रैक्टोज होता है, उसमें क्या होता है, फ्रैक्टोज होता है। ओके, क्लियर हो गया, पके हुए अंगूरों में फ्रैक्टोज होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, उतनी ही रहेगी, या फिर शून्य हो जाएगी, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन डी यानी कि बढ़ेगी। ठीक है, जब हम पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी जो समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाय जी। ठीक है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाय जी, ये सबने पढ़ा होगा। तो चंद्रमा के जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है पृथ्वी के गुरुत्वीकरण का 1/6 होता है यानी कि जी बाई 6 होता है। तो गुरुत्वीकरण का मान कम होता है इसलिए जब चंद्रमा पर हम पेंडुलम को ले जाएंगे तो उसका टाइम पीरियड का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा टाइम पीरियड का मान, क्योंकि जो टी है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है अंडर रूट में जी के। तो जैसे जैसे जी का मान कम होगा वैसे वैसे टाइम पीरियड का मान बढ़ेगा। चंद्रमा पर जी का मान कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड का मान बढ़ जाएगा, इसलिए उसकी समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड जो होता है वो क्या हो जाएगी, पेंडुलम की बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। दिल की फुसफुसाहट यानी कि मर्मर से क्या पता चलता है, हर्ट मर्मर इंडिकेट्स आ, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, ऑक्सीजन का अगर ब्लड में कमी हो गया है तो उससे क्या पता चलेगी, दिल की फुसफुसाहट यानी कि मर्मर से पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी है कि नहीं है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी वाटर। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम कहाँ से निकाली जाती है, तो यह समुद्र के पानी से निकाली जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। यौगिक जिसमें H2 नहीं मिलती है, द कंपाउंड टू विच हाइड्रोजन डज नॉट ऐड इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है टेट्राफिनाइल एथिलीन। क्या हो जाएगा, टेट्राफिनाइल एथिलीन में क्या होता है, ऐसा यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन नहीं मिलती है। क्लियर हुआ, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि वायुमंडल में जो जलवाष्प का प्रतिशत होता है वो क्या होता है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा यानी कि वाटर वेपर की अधिकतम मात्रा कितनी होती है। तो जैसा कि आप लोग देखिए डायग्राम में वाटर वेपर कितना कंटेन कर रहा है, तो वाटर वेपर हो जाएगा 2 से लेके 3% तक। कितना हो जाएगा, 2 से लेके 3% तक होता है वाटर वेपर। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। 20th, शीशा पेंसिल में शीशा का प्रतिशत होता है यानी कि परसेंटेज ऑफ अ लेड इन अ लेड पेंसिल इज, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यानी कि 0%। ठीक है, तो लेड पेंसिल में जो लेड का परसेंटेज होता है वो होता है 0%। लेड पेंसिल में लेड के अलावा क्या होता है, आइए एक्सप्लेनेशन बताते हैं। लेड पेंसिल कंटेन्स ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, तो ये एक प्रकार का कार्बन का फॉर्म होता है। ठीक है, तो लेड पेंसिल में क्या होता है, लेड नहीं होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। जिस प्रकार से जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है और वो अन्य चीज़ों का मिश्रण होता है, तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। हमने आपको किसी वीडियो में बताया था, ठीक है ना, कि जर्मन सिल्वर इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिश्रण होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। और साथ ही साथ बताना कि कितने कितने परसेंटेज में होता है क्या क्या चीज़। क्लियर हुआ यहाँ तक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस जीव की पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग डायग्राम से समझ ही रहे होंगे। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है यानी कि मगर। ठीक है, क्रोकोडाइल में जो पसलियों की संख्या होती है वो सबसे अधिक होती है, कितनी होती है, आइए बताते हैं आपको। एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। उदर क्षेत्र में केवल 8 जोड़ी सच्ची पसलियाँ होती हैं, बल्कि पेट की पसलियों या गैस्ट्रिक के 7-8 जोड़े भी होते हैं।
तो 8 जोड़ी यहाँ पे सच्ची पसली है यानी कि ट्रू रिब्स के हो गए, और 7-8 जोड़ी इसके हो गए गैस्ट्रिक के। क्लियर हो गया? तो इसमें ओवरऑल कितनी हो गई, तो 15 से लेकर के 16 पसलियाँ हो गई। किसमें? क्रोकोडाइल में यानी कि मगरमच्छ में। मनुष्य में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं ये आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है? हाउ मैनी रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज होते हैं? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी यानी कि पैरेलल, ठीक है? क्या होते हैं? समांतर प्रकार के किरण पुंज होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। धक्का यानी कि शॉक एब्जॉर्बर्स जो होते हैं, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि, ये प्रायः स्टील के ही बनाए जाते हैं क्योंकि, ये बताइए। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी यानी कि स्टील की जो प्रत्यास्था होती है ना वो अधिक होती है। स्टील की प्रत्यास्था अधिक होने के कारण जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। अ शॉक एब्जॉर्बर इज अ मैकेनिकल डिवाइस डिजाइन टू स्मूथ आउट और डैम्प शॉक इम्पल्सेस एंड डिसिपेट काइनेटिक एनर्जी। स्टील जो होता है वो एलॉय होता है मेड बाय कंबाइनिंग आयरन एंड अदर एलिमेंट्स। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा है आपसे वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन है वो किसके लिए उपयोगी होती है या फिर नहीं होती, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी यानी कि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो किसके माध्यम से उपयोग की जाती है, तो वह सूक्ष्म जीवों के माध्यम से उपयोग की जाती है। सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। नींद ना आने के लिए प्रयुक्त तो डॉक्टरी शब्द है यानी कि द मेडिकल टर्म्स यूज्ड फॉर द स्लीपलेसनेस इज। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए क्या करेक्ट है। तो इसका आंसर करेक्ट है इंसोमिया। क्या हो जाएगा? इंसोमिया हो जाएगा नींद ना आने के लिए प्रयुक्त तो डॉक्टरी शब्द। ओके, अब चलिए देखिए कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, कल का क्वेश्चन क्या था। जमाई आती है यानी कि याइंग अकर्स, तो याइंग कब अकर्स होती है? जब रक्त में CO2 की सांद्रता जो होती है बढ़ जाती है तो जमाई आने लगती है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। पीतल एक एलॉय है यानी कि ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड, एक आपको बता दिया गया है, एक और बताना है कि किसका होता है, ठीक है? तो जो भी इसका आंसर करेक्ट हो कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।